हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड लर्निंग। तो बच्चे, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इस चैप्टर में क्या है, एक ही चैप्टर में देर आर टू डिफरेंट स्टोरीज, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। दोनों पार्ट्स में हम अलग अलग स्टोरीज पढ़ेंगे, दोनों स्टोरीज फ्लाइंग से रिलेटेड है। अब कौन कौन फ्लाई कर सकता है? सबसे पहले तो बर्ड्स कैन फ्लाई वेर एवर दे वॉन्ट, बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो पायलट्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो फ्लाई थ्रू द एयरक्राफ्ट, दे डू फ्लाई द एरोप्लेन्स द एयरक्राफ्ट, राइट? सो दीज आर द टू पीपल और टू कम्युनिटीज हु कैन एक्चुअली फ्लाई। तो हम यही पहली स्टोरी हम पढ़ेंगे ऐसे ही एक बर्ड के बारे में जो फ्लाई करता है, एंड दूसरी स्टोरी हम पढ़ेंगे किसी पायलट के बारे में जो एरोप्लेन को फ्लाई करता है। तो अब फर्स्ट जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लायम ओ फ्लेहर्टी। नाउ यू, सिंस यू पीपल आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आप लोगों को ऑथर्स के नाम एंड पोएट्स के नाम भी पता होने चाहिए स्टोरी के साथ, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑथर्स का नाम हमेशा आपको पता होना चाहिए। Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? Second is about a pilot who's lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? तो फॉर ये जो दोनों ही स्टोरीज हैं, ये लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्लाइंग के बारे में है। तो अच्छा, अब आप खुद सोचो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि स्टार्ट करने से पहले। अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आई एम श्योर कि सबको साइकिल्स चलाने तो आता होगा, एवरीबडी नोज हाउ टू राइड बाइसिकल, इफ़ नॉट एवरीबडी देन मोस्ट ऑफ यू पीपल डू नो इट। साइकिल्स क्या, अब तो आप लोगों को एक्टिवाज, टू व्हीलर्स भी राइड करने आते होंगे काफ़ी लोगों को, राइट? तो अब जब आपने चलना स्टार्ट किया था, तब तो आप बहुत छोटे थे, तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, इसलिए मैं बाइसिकल की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो आपने नई नई सीखी थी, और जब आपने सीखी थी आपको बहुत डर लगा होगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने एक बार, जब आप पहली बार गिरे, उसके बाद आपने बहुत दिन तक तो दोबारा छुआ भी नहीं होगा साइकिल को, कि आप दोबारा ना गिर जाओ। तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, आपने बड़ी मुश्किल से चलाना सीखा। लेकिन आज जब आप सीख गए हो, तो क्या आपको अभी भी डर लगता है? अब आप अनकॉन्शियस होकर भी चला सकते हो, मतलब आपका माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, कुछ कुछ चल रहा होता है माइंड में, फिर भी आप एकदम सही सही चले जाते हो। ये आपका जो दिमाग है वो इस तरह ट्रेंड हो चुका है कि अब आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ता है कि अच्छा आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है, आपको हॉर्न प्रेस करना है, ब्रेक दबानी है, अब वो सब कुछ खुद से हो जाता है। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, ये हम जो स्टोरीज़ अभी पढ़ेंगे वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बिगिनिंग होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एंड इट इज़ ओनली द बिगिनिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट। जब हम उसको सीख जाते हैं तो हम बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसमें बहुत स्किल्स आ जाते हैं हम लोगों में। तो किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हो और आपको वो टफ़ लगती है, तो कभी उसको छोड़ो मत, उसको करते रहो, तभी आप सीखोगे। अब जब आपने चलना स्टार्ट किया था तो आपको तो याद नहीं है, पर ऑब्वियसली जब आप छोटे थे हर किसी को डर तो लगा होगा, पर ऐसा तो नहीं है कि डर से आप लोगों ने चलना ही भूल छोड़ दिया कि नहीं मैं चलना नहीं सीखूंगा वरना मैं गिरूंगा। अगर आप ये सोच के चलना ही छोड़ देते, आप बैठ जाते कि नहीं मुझे नहीं सीखना चलना, तो आज आप स्कूल भी नहीं जा पाते, आज आप चल भी नहीं पाते। बट जिस तरह आप चल रहे हो, जितने अच्छे से आप चल पाते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ये चीज़ भी सीखी थी? तो इसी पे हम पढ़ेंगे स्टोरी। सो फर्स्ट स्टोरी हमारी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब एक सीगल क्या होता है बच्चे, सीगल एक बर्ड होती है जो वाइट कलर की होती है, बट उसकी जो अपर बॉडी होती है, जो बैक साइड होती है, वो थोड़ी सी ब्लैक भी होती है, सो इट्स वाइट एंड ब्लैक। तो ये फ्लाई कर रहे, तो इस सीगल की हम बात कर रहे हैं, सीज के अराउंड ये बहुत होते हैं इसलिए सीगल इसको कहते हैं।
So the young seagull was alone on his ledge. Now, what is a ledge? It's a narrow horizontal shelf before the wall. So लेज क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई क्लिफ होता है, जो माउंटेन क्लिफ्स होते हैं, कोई एज होती है माउंटेन की या सी के आसपास कोई भी ऐसी एज होती है जिसकी हेल्प से बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उसको हम लेज बोलते हैं. सो दैट एज इज कॉल्ड लेज. तो अब ये जो यंग सीगल है वो उस एज के पास अकेला था, क्योंकि उसके जो दो ब्रदर्स और सिस्टर थे वो पिछले दिन ही उड़ना सीख गए थे. तो अब उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को तो उड़ना आ गया था, बट ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. इसको उड़ने में डर लग रहा था. अब ऐसा होता है जब आप लोगों ने साइकिल्स चलाना सीखा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, आप में से बहुत लोग एक बार में ही सीख गए और कुछ लोग थोड़े डरे स्टार्टिंग में, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद जाकर सीखे, बट सीख सारे गए, राइट? तो ऐसा दिस इज़ वेरी नेचुरल कि कुछ लोग थोड़ा सा डरते हैं नई चीज़ एक्सपीरियंस करने में, कुछ लोग नहीं डरते हैं. सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. तो अब क्या हुआ, अब हिम्मत करके उसने किसी तरह, अब जब उड़ना होता है तो क्या होता है, भागते हुए आते हैं और फिर उड़ते हैं, एकदम से नहीं उड़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो अब सीख रहा था तो उसने क्या किया, थोड़ा सा भाग के आया लिटिल डिस्टेंस से, और फिर जैसे ही वो लेज के पास पहुंचा और वहां से उड़ने ही वाला था, अपने विंग्स को स्प्रेड करने वाला था, तो उसको एकदम से डर लगा. उसने देखा कि नीचे जो सी है वो कितना वाइड है और कितना डीप भी होगा, अगर वो उसमें गिर जाएगा तो वो मर जाएगा. उसको ये थॉट उसके माइंड में आया और वो डर गया. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब उसको लगा कि जब वो नीचे गिर जाएगा सी में, उसके जो विंग्स हैं, उसके पंख हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे उसको. अब उसको तो डर लग रहा था, तो ये सोच के वो वापस चला गया उसमें. वो अब क्या होता है, बर्ड्स कहाँ रहती है, कोई होल वोल होता है वहाँ पर रहती है. तो ये जो लेज था, जो एज हमने जिसकी बात की थी, उस क्लिफ पे जो था उसमें एक होल था जहाँ पे ये बर्ड रहती थी, तो वो अपना सिर नीचे करके वापस वहाँ चला जाता है जहाँ पे वो रात को सोते थे. अब वो डर गया, वो नहीं उड़ पा रहा था, तो वो वापस होल में चला जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. तो अब जब उसके जो भाई बहन थे, उसकी जो बहन थी वो उससे छोटी थी, मतलब उसके विंग्स जो थे वो भी उससे छोटे थे. तो जब उसके भाई बहन उड़ना सीख गए, जब वो भाग कर जाते थे उस ब्रिंक के पास, and flapped their wings and flew away, मतलब अब क्या होता है, जब birds भागते हुए जाती है, भाग के जहाँ से brink is that एज जहाँ से उनको भाग उड़ना स्टार्ट करना है, दैट एंड पॉइंट, तो वहाँ पहुँच के जब वो अपने विंग्स फ्लैप कर देते थे, खोल देते थे, इसको ये जो सीगल था, ही फेल टू मस्टर अप करेज, मतलब ही फेल टू गैदर अप करेज, वो इतना करेज गैदर अप नहीं कर पाता, तो वो डर जाता था. टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. प्लंज मीन्स एक डुबकी मारते हैं पानी में और फिर उसके बाद उड़ते हैं ये जो बर्ड्स होते हैं. तो अब उसको डर लगता था ये करने में. उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर मोर करेजियस देन दिस सीगल, तो वो कर लेते, तो उन्होंने सीख लिया था, बट ये नहीं सीख पा रहा था. तो फिर क्या होता है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, अप ब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. But for the life of him, he could not move. अब क्या हुआ, अब जब वो नहीं उड़ पा रहा था, उसके फादर एंड मदर वो आए वहाँ पे चिल्लाते हुए, श्रिलिंग चिल्ला रहे थे. अब चिल्लाएंगे कैसे, बोलेंगे तो नहीं, अब जैसे वो आवाज़ निकालते हैं वैसी आवाज़ निकाल रहे थे, उसको स्कोल्ड कर रहे थे. अपब्रेडिंग मतलब डांटना, स्कोल्ड करना किसी को. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, अब वो कह रहे थे कि अगर तुम उड़ कर नहीं आओगे, हम तो उड़ के वहाँ चले जाएंगे खाना ढूंढने, तो तुम यहीं भूखे मरना फिर. तो वो उसको डांट रहे थे, वो चाह रहे थे कि ये किसी भी तरह उड़े, पर वो नहीं उड़ रहा था, बिकॉज ही वॉज सो स्केर्ड, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था.
That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो अब ये 24 घंटे पहले की बात है, तब से उसके पास 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया, मतलब एक दिन से वो अकेला था वहाँ. एंड वो बेचारा वहाँ भूखा बैठा हुआ था, किसी ने उसको खाना नहीं दिया. एंड वो देख रहा था अपने पेरेंट्स को और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कैसे घूम रहे हैं वो वहाँ पे, और कितने अच्छे से सीख गए हैं घूमना उड़ना. और उनके पेरेंट्स जो थे वो उनको बच्चों को क्या सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. स्किम द वेव्स मतलब, स्किम का मतलब होता है कि सर्फ. अब नया नया उड़ना सिखाया है बच्चों को, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो बच्चे गिर भी सकते हैं, मर सकते हैं. तो वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ा रहे थे, सरफेस के थोड़ा सा ऊपर ऊपर तक ही उड़ा रहे थे. तो दैट्स कॉल्ड स्किमिंग. तो अब वो सिखा रहे थे. और डाइव फॉर फिश, अब जो बर्ड्स होती है आपने देखा होगा कि उड़ते हुए आती है पानी, उनको जहाँ दिखते हैं नीचे डाइव करके एक अपनी फिश को या वॉर्म जो भी उठाना है वो उठा के और फिर चली जाती है, फिर उसको खाती है. तो वैसे करके वो पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे वो करना. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो अब उसने अपने older brother को, जो उससे बड़ा brother था, उसको देखा कि उसने herring होता है जो एक, it's a variety of fish, soft sea होती है काफ़ी, sea fish. तो उसने देखा कि उसका भाई कैसे डाइव करके एक फ़िश को उठा के बाहर ले आया. एंड डिवाउर इट मतलब डिवाउर इट एंड स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. तो उसको लेकर कैसे उड़ गया. डिवाउर इट मतलब कि जो उसने खाना उठाया था उसको अच्छे से ग्रिप में पकड़ा और फिर वो उड़ गया और वहाँ रॉक पर खड़े होकर उसको वो खोलते. अब जैसे फिश होती है, फिश को ऐसे ऐसे करके तोड़ते हैं वो अपने विंग्स से, विंग्स से नहीं अपने जो उसके पॉज होते हैं, तो बर्ड्स वैसे करके उसको तोड़ के खाती है. तो मतलब पूरे सारे पार्ट्स उसके सेपरेट कर दिए, सो दैट्स कॉल्ड डिवाउरिंग. तो वैसे करके उसने देखा कि कैसे उसका ब्रदर तो अपना फर्स्ट खाना पकड़ने में सक्सेसफुल हो गया. तो इस पर उसके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे एंड दे वर सर्कलिंग अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. कैकल मीन्स जो वो आवाज़ निकालते, अब उसको चेयर अप कर रहे थे कि उसने बहुत अच्छे से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस. मतलब अब जिस होल पे वो बैठा था उसके सामने वाले क्लिफ पे, प्लेटो क्या होते हैं, जो सरफेस नॉर्मल सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ हाइटेड हाइटेंड लेवल का जो भी जैसे पहाड़ है या कुछ भी है, दैट्स कॉल्ड प्लेट्यू. तो अब उसने देखा कि सामने प्लेट्यू पे आधे उस पे उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली उस क्लिफ पे बैठे हुए हैं और वहाँ से उसको टॉन्ट कर रहे हैं, मतलब उसको ताने मार रहे हैं कि तुम कितने डरपोक हो, तुम हमारी तरह उड़ नहीं पा रहे, तुम्हारी छोटी बहन ने भी उड़ लिया जो जिसके विंग्स तुमसे छोटे हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू फ्लाई, यू आर सच अ कावर्ड, तुम कितने डरपोक हो. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सुबह क्या हुआ, सूरज उग गया और ऊपर उसकी धूप की जो रेज थी वो भी उस पर आने लगी थी और वो इतनी ज़्यादा गर्मी उसको फील हो रही थी सीगल को, बिकॉज एक तो उसने पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं था, उसको वीक भी फील हो रहा था, उसको भूख भी लगी थी. तो बच्चे ये फोटोज़ में आप देख सकते हो, दिस इज़ द सीगल. ये जो उड़ रहे हैं, ये जो एक अकेला सीगल बैठा हुआ है सरफेस पे, दिस इज़ द, ये एरिया है दैट लेज, यहाँ से इसको फ्लाई करना है. एंड ऊपर जो ऊंची वाली आपको एज दिख रही है वहाँ पे ये जा रहे हैं. दीज आर हिज मदर फादर एंड ब्रदर सिस्टर. तो ये लोग सब फ्लाई कर रहे हैं एंड ही, दिस सीगल इज स्टिल ट्राइंग टू फ्लाई, बट वो नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ अ सीगल. तो फिर क्या हुआ, ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड लैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर.
तो ये ब्रिंक है दिस द एंड पॉइंट जहाँ से उसको उड़ना स्टार्ट करना है। तो अब इसने कोशिश तो की, ये वहाँ पे आके रुक गया, पर इसको डर लग रहा था तो इसने अपनी एक लेग को विंग्स के नीचे छुपा लिया और अपनी पहले एक आंख बंद की और फिर दूसरी आंख बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स। अब क्या हुआ, इसने प्रिटेंड किया एज इफ ही वॉज स्लीपिंग, बट किसी ने इसको नोटिस ही नहीं किया और इसने देखा कि इसके भाई बहन तो वहाँ ऊपर वाले एज के पास बैठे हुए हैं और अपने हेड्स सन करके आराम से बैठे हुए हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक। नाउ अब ये देख, नाउ व्हाट हैपेंस, ही लुक्स एट हिज फैमिली ऑन द अदर साइड, तो वो देखते हैं कि हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स, दैट मीन्स उसके जो, अब क्या होता है आपके बालों को आप मेंटेन करते हो वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स ही तो है जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं, विंग्स हैं एंड पूरी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, तो वो उसको मेंटेन कर रहा था उसका फादर। एंड पूरी फैमिली में से ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। तो फिर वो बोलता है, वो देखता है कि उसकी मदर वहाँ खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है कि उसके पास फिश का पीस है, तो वो उसको तो फीट, अब फीट से ही पकड़ते हैं फिश को, तो फिश है उसके पास मदर के पास और वो उसको तोड़ तोड़ के अपनी बीक से खा भी रही है एंड उसकी तरफ देख रही है, स्टेयर कर रही है अपने सीगल की तरफ जो फ्लाई नहीं कर पा रहा है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, हाउ ही लव टू हियर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो अब उसकी मदर को वैसे करते हुए उसको और भी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि अब जब आपको भूख लगी होती है और आपको खाना दिख जाता है सामने तो और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, और जिस तरह उसकी मदर उसको तोड़ तोड़ के खा रही थी फिश को, इस तरह उसको भी करना बहुत पसंद था। तो वो वहाँ से अपनी मदर को देख के चिल्लाने लग जाता है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गो को या, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो अब उसको भूख लग रही थी, वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है बहुत बुरी तरीके से, बुरे से मतलब कि बहुत दुखी होकर कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, प्लीज़ ब्रिंग दैट फूड टू मी। उसकी मदर वापस चिल्लाती है डिराइसिवली, मतलब शोइंग दैट कि तू कितना, यू आर सो कवर्ड कि तुम खुद से भी आ नहीं सकते हो। तो उसकी मदर डिडंट वॉन्ट टू कम, क्योंकि वो चाहती थी कि ये फ्लाई करे, बट He was not able to fly. तो उसकी मदर वहाँ से टॉन्ट कर रही थी derisively, means कि showing to the other person that you're such a stupid and you're a coward. तो वहाँ से उसकी मदर उसको मतलब sarcastically वैसी आवाज़ निकाल रही थी, मौकरी कर रही थी कि तू, you're such a stupid and you cannot fly, कि तुम्हारी छोटी बहन ने उड़ना सीख लिया but you're not able to fly. तो वो बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली, एंड प्लेनेटिवली मीन्स इन सॉरो। तो अब उसको तो भूख लगी थी, ही वॉज फीलिंग बैड, तो वो स्टिल आवाज़ डालता रहा कि प्लीज़ ब्रिंग सम फूड टू मी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। ही लीन्ड आउट, ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर as she flew across, but when she was just opposite to him she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. ab kya hua ki jab usne wo chilla raha tha, uski mother se bhi nahi dekha gaya ki isko bhook lagi hai, to uski mother wo khana lekar finally fly karti hai uski taraf aur wo bhi khush ho jata hai. to pehle to wo sone ka natak kar raha tha, fir wo khada ho jata hai, uski mother lekar aati hai uski taraf udte hue, but ekdam पॉइंट पे जहाँ, अब बर्ड्स अगर आपने देखा होगा अपने बेबीज़ को कैसे फीड करती है, अपनी बीक से उनकी बीक में खाना डालती है, तो उसकी मदर की बीक उसकी बीक के पास थी, मतलब एकदम पास ही थी, तो उसकी मदर रुक जाती है एंड डजंट फ्लाइज फर्दर, वहीं पे रुक जाती है, उसके पास नहीं जाती। फिर क्या हुआ, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन
मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. तो उस वो देखता है कि उसकी मदर वहाँ क्यों रुक गई, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है. तो उसको भूख तो लगी थी, भूख से पागल हो रहा था. तो वो फाइनली खुद ही कूद जाता है फिश की तरफ लेने. अब जब भूख लगी है तो कुछ तो करेगा ही, तो वो फाइनली कूद जाता है. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. अब जब उसको भूख लगी थी वो फाइनली उड़ा, पर क्या हुआ, उसको तो उड़ने नहीं आता था. वो नीचे गिर गया पानी की तरफ. जब क्लिफ से नीचे गिरने लगा तो एकदम से उसके अंदर कुछ हुआ कि अब मैं तो मर जाऊँगा. तो फाइनली उसने अपने फ्लैप करे विंग्स और उसके विंग्स ने उड़ना स्टार्ट किया. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. अब उसके विंग्स ने काम करना स्टार्ट किया. हिज विंग्स स्टार्टेड फ्लाइंग. अब जब वो उसको डर लगा कि गिरने वाला हूँ तो उसने अपने विंग्स यूज़ किए. तो नाउ ही वॉज नॉट फॉलिंग एनी मोर. अब नहीं गिर रहा था, अब उसको फाइनली उड़ना आ रहा था. सो ही जस्ट फेल्ट अ बिट ड्रिजी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. गा गा गा. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, coveting and banking and soaring and diving. तो पहले तो उसको dizzy सा feel हुआ. Dizzy means comfortable सा feel हुआ, क्योंकि उसको एक तो वो भूखा था कितने time से, तो उसको weak भी feel हो रहा था. But still he did not lose hope और वो fly करता रहा अपने wings को उसने रोका नहीं. वो मूव करता रहा अपने विंग्स को. तो तभी वो देखता है उसकी मदर उसके पास आती है, उसके फादर भी आते हैं उसके पास पास उड़ने लग जाते हैं. एंड देन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग. मतलब करवेटिंग मीन्स जैसे हॉर्स लीप करता है ना, एकदम भागते हुए आते कूदता है जैसे हॉर्स. तो वैसे ही उसने देखा कि मेरे भाई बहन भी मेरे पास आ रहे हैं. एंड बैंकिंग मीन्स एक दूसरे पंख को ऊपर ऊपर उड़ा के, तो उस तरह से फ्लाई करते हैं. तो वो देखता है कि पूरी फैमिली उसके पास आ गई थी उसको चेयर अप करने के लिए, बिकॉज ही कुड फ्लाई नाउ. अब वो उड़ पा रहा तो सब खुश हो गए. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली. अब जब वो उड़ पा रहा था वो भूल गया कि उसको उड़ना नहीं आता था, तो मरने के डर से उसने उड़ना सीख लिया. एंड वो ये भी भूल गया कि उसको तो उड़ना नहीं आता था, तो उसने खुद सेटिस्फाई हो गया कि हाँ हाँ मैं तो उड़ सकता हूँ. फिर वो उड़ता है और चिल्लाता है श्रीकिंग श्रिली. मतलब श्रीक करना मतलब आवाज़ निकालना. तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के खुश होकर अब वो और फ्लाई करता है. ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो फिर क्या हुआ कि अब जब वो सी के पास था तो flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो जब सी के पास था तो उसको दिखा कि उसके नीचे पूरा green था सी. उसके नीचे बहुत अच्छा दिख रहा था with little ridges moving over it. अब ridges mean वो पंख, छोटे छोटे से पंख उसके ऊपर उड़ रहे थे. मतलब वो अपनी परछाई देख पा रहा था सी में. And turned his beak sideways. अपनी beak उसने साइड करी एक साइड पे करके. And cawed amusedly. Cawed means कि अब जैसे lion roar करता है, cows moo करती है, जो chicken होता है वो quack quack करता है, ducks quack quack करती है. तो इनकी अलग अलग आवाज़ sound होती है animal की. तो वैसे ही birds की caw की sound होती है. तो वो ऐसे करके खुशी खुशी से अपनी आवाज़ निकालने लगा. So he was celebrating his first flight. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. अब क्या हुआ, उसके brothers and sisters भी आके वहाँ land कर चुके थे green flooring पे. And वहाँ से they were beckoning to him. Beckoning means कि जब आपको market में अपना कोई friend दिख जाता है तो आप उसको wave करते हो अपने हाथ ऐसे ऊपर हिला हिला के हवा में कि आ जा मेरी तरफ, I am standing here. तो वैसे ही वो उसको they were beckoning to him. एंड चिल्ला रहे थे, उसको बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. हिज लेग्स सैंक इन टू इट.
He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. तो वो पाँव रखता है सी के ऊपर पर वो गिर जाता है एंड उसको डर लगता है. फिर वो उड़ने की कोशिश करता है पर उसने खाना नहीं खाया था, वो बहुत थका हुआ था और वीक भी था, इसलिए उसके विंग्स फ्लैप नहीं कर पाते हैं और वो गिर जाता है सी के ऊपर एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. तो अब वो जब गिर गया सी के ऊपर उसको लगा कि वो डूब जाएगा. वो बहुत कोशिश करता है उड़ने की बट वो नहीं उड़ पाता है बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड. उसको खाना नहीं मिला था एक दिन एंड वो गिर जाता है. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. तो जब गिर जाता है उसकी बेली टच करती है पानी को, उसको लगता है कि वो डूब जाएगा बट वो नहीं डूबा. He was floating on it and around him his family was screaming praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. He had finally made his first flight. तो अब जब वो नहीं डूबा वो उस पर फ्लोट करने लग गया. तो अब फाइनली उसकी फैमिली भी उसके पास आ गई एंड उसको वो जो भी फिश थी अपने पास रखी हुई वो उसको खिला दी. एंड सो फाइनली ही गॉट सक्सीडेड इन मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो डर के आगे जीत है, ये हमें से पता चलता है कि आप कोई भी चीज़ जब करना स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम पे आपको बहुत डर लगता है बट जब आप कर पाते हो, आप ट्राई करते हो तो आप सक्सेसफुली कर लेते हो और फिर आप नहीं डरते हो. तो कोई भी चीज़ डर की वजह से नहीं छोड़नी चाहिए, यू शुड कीप ट्राइंग इट. तो यहाँ पे चैप्टर ओवर हो गया, हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Why was the young seagull afraid to fly? Do you think that all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? So why was the young seagull afraid to fly? He was afraid to fly because usko nahi lagta tha ki uske wings kabhi ud payenge. Because he was afraid to fly because he had never tried it before, and it was going to be his first ever flying experience. So that's why he was afraid, because he didn't know whether his wings would help him fly or not. Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Of course they are. First time pe sare birds ko dar lagta hai, but kuch log dar first time mein seekh jate hain udna, kuch log thoda zyada time lete hain. Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? Of course. जब छोटे बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं वो पहला स्टेप रखते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं. वो बहुत बार गिरते हैं, उसके बाद उनको चलने आते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम मतलब कि सिंस ही वॉज हंग्री फॉर द पास्ट 24 आवर्स, उसको खाने को नहीं मिला था कुछ पिछले 24 घंटे से. तो जब उसने देखा कि उसकी मदर फिश को खा रही है तो उसको ही गॉट मैडन्ड विद हंगर. उसको इतनी भूख लगी वो पागल हो गया भूख से. एंड वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? यही मैड द हंगर. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द मैडन्ड हंगर. उसको इतनी भूख लगी थी कि उसको उड़ना पड़ा. सो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज हंगर दैट ही वॉज कंपेल्ड टू फ्लाई. They were beckoning to him, calling shrilly. What did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? मतलब कि उसके मदर, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको सब they were beckoning to him कि उसको अपने हाथ हिला हिला के, उसको विंग्स हिला हिला के उसको बुला रहे थे कि आजा हम यहाँ पे हैं, come to us. तो why did seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो उसके मदर एंड फादर ने पिछले दिन उसको कैसे थ्रेटन किया था और किस तरह के जॉल है मतलब टू कन्विंस समबडी टू डू समथिंग, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग. तो वो किस तरह उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको ये बोलकर कि हमारे साथ उड़ने की कोशिश करो वरना हम तुम्हें यहीं पे अकेला छोड़ देंगे एंड यू वुड नॉट हैव एनी फूड टू ईट, तुम भूखे मर जाओगे. तो ये कह के वो उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये कह रहे थे और उसको मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि तुम कितने कवर्ड हो. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? So this question
दिस आंसर यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो. अब मैंने आपको बाइसिकल का एग्जाम्पल दिया था, बाइसिकल, टू व्हीलर्स, इवन कि स्केटिंग जब आप करते हो स्केट्स, उस टाइम पे भी आपको बहुत डर लगता है, कुछ खेलते हुए भी डर लगता है. सो कैसा आपका एक्सपीरियंस था, यू हैव टू राइट दैट डाउन. इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ फोरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड. इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन एन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वॉज योर सक्सेस गारंटेड और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. तो अब जो बर्ड्स है वो सब उड़ती है, तो उनको उड़ता हुआ देख कर कभी हमने ये सोचा है कि उन्होंने कभी उड़ना सीखा होगा? जैसे हम चलते हैं, हमने कभी ये सोचा है कि हमने चलना सीखा था, हमें बचपन से खुद से नहीं आया था चलना? तो अब आपने जो पिछले एग्जांपल, पिछले क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर लिखा था कि वो क्या एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे अब आप ये लिखोगे कि क्या आपको पता था कि आप श्योरली सक्सेसफुल हो जाओगे वो चीज़ सीखने में, या आपको सिर्फ ट्राई करते रहना था कि मुझे ट्राई करना है, चाहे मैं सीखूँ या नहीं, बट मुझे बस ट्राई करते रहना है. तो इसका भी आंसर आपको खुद लिखना है. बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने कुछ सीख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि जब हार्डवर्क करते रहते हैं तो हम सीख जाते हैं वो चीज़ करना और सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो इसलिए आपने, मुझे लगता है कि आपने जो भी चीज़ सीखी थी, आपने जो आंसर लिखा है फोर्थ क्वेश्चन का, वो चीज़ सीखने में आप सक्सेसफुल हो गए होंगे, राइट? सो यू हैव टू डू दिस फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर ओन, और बाकी हमने कर लिए. एंड स्पीकिंग पार्ट, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट. कल हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ब्लैक एरोप्लेन. तो इसके आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, इसको पढ़ लेना एक बार, एंड कल फिर हम स्टार्ट कर देंगे इसके सेकेंड पार्ट से. सो दैट्स इट, द क्लास इज ओवर नाउ. थैंक यू.